जय श्री राम। मित्रों, रामचरितमानस का यहाँ तक का प्रसंग मैं आप सभी को सुना चुका हूँ। आगे की कथा है सुमंत का अयोध्या को लौटना और सर्वत्र शोक देखना। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने चार उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ भेज कर दिए। निषाद राज गुहु सारथी सुमंत जी को पहुँचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीना धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अभी श्री रामचंद्र जी के बिछड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब तो ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। आए नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकी वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला तथा उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछताए, इसी प्रकार सुमंत सोच कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली प्रतिव्रता स्त्री को भाग्यवंश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उसी समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी कीवाड़ लगे हैं। 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है, मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। इनके मन में राम योग रूपी हानि का महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी के शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने के लिए संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष सब जोड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर व्रज रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नवी ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन ही है मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुख लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह श्री को त्याग देंगे। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछता कर रहे हैं, इतने में ही तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमित के पैर पकड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सुचकाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे आम में घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री को अकेला ही आना सुनकर सारा रानीवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसे भयानक लगने लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो।
अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती, पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई, न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता उससे पूछते, कहो राजा कहाँ है? दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठा देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं, मानो राजा ये यात्री स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीदराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हाँ स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी, ऐसा कहने लगते हैं। मित्रों, यह मैंने रामचित्रमानस, तुलसीदास रामकृत रामचित्रमानस का प्रसंग आपको सुनाया है, जहाँ पर सुमंत जी भगवान श्री राम जी को वनवास में छोड़कर वापिस अयोध्या लौटते हैं। यदि प्रसंग अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।